राम, आज हम लोग रामलीला मैदान पे और यहाँ पे बहुजन समाज के लोगों का बहुत बड़ा सैलाब है। क्या कारण है जो आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज जो तुगलकाबाद के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर मोदी सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो तुड़वाया गया, उसके कारण आज 21 अगस्त को पूरे देश की कॉल हुई थी। आज यहाँ पूरा बहुजन समाज, पूरा रविदासिया समाज इकट्ठा हुआ है और पूरा मुस्लिम समाज ने हमारा सहयोग किया। उसके अंदर हम सतगुरु रविदास जी महाराज का जो अपमान हुआ है उसको लेकर आज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम घोसवाड़ के हैं, जिला अम्बाड़ा। जिला अम्बाड़ा से किस लिए आए यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो रविदास महाराज मंदिर तोड़ा गया, सरकार मनुवादी सरकार ने तोड़ा है, वो मंदिर हमारा वहीं बनाया जाए। मंदिर वहीं बनाया जाए। अभी गुरु मदेश महाराज का आदेश हुआ है कि मंदिर वहीं बनेगा और उन्होंने कुछ करना भी शुरू करने के मूड में है, तो क्या करने की आगे रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति यही है कि हमें मंदिर बुधुलाबाद मंदिर में जाए और अपना मंदिर वहीं पे स्थापित करें जहाँ पे पहले था। ठीक है, शांति से जब तक हमने काम किया मान्य, लेकिन अब शांति से काम नहीं चलेगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी, तब गुरु रविदास महाराज जी के वहाँ पे मंदिर बनेगा। इस तरीके से क्रांति करने के मूड में हैं आप लोग? हम पहले संवैधानिक तरीके से हम मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी मांग को पूरा कीजिए और जो सतगुरु रविदास जी महाराज का जो मंदिर तोड़ा गया है उसको पुनः स्थापित कीजिए और मोदी सरकार वो मीडिया के माध्यम से पूरे समाज से, पूरे देश से माफी मांगे और संवैधानिक तरीके से हमारी मांग को पूरा करे। हम लोग हैं आज रामलीला मैदान पर, हरियाणा के कुछ साथी हैं, यहाँ पर क्या कारण है आने का? देखिए सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार के दबाव और बीजेपी सरकार के दबाव से हमारे ईस्ट, हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर गिराने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पर 21 अगस्त को रामलीला मैदान में मतलब लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज एकत्रित हुआ है। और मैं बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार को ये मतलब चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हमारी जमीन हमें वापस नहीं दी तो उसकी दिल्ली की ईंट से ईंट बचा देंगे हम लोग। आज पूरे देश के अंदर क्रांति है तो ये बहुजन समाज की बातों को नहीं मानेंगे सरकार, तो क्या करेंगे सर? उसकी रणनीति आगे, अगर सरकार बहुजन समाज को पहले भी दबा रही है आगे भी दबाने का काम करेगी, लेकिन आज ये समाज जाग चुका है और ये समाज जाग के आज एक क्रांति का रूप ले रहा है। अगर ये सरकार, मनुवादी सोच रखने वाली सरकार हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर ऐसे ही अत्याचार करती रहेगी तो ये क्रांति एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप रहेगी और उस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से अपनी हर मांग को मनवाएंगे। बताते हैं 600 साल पुराना मंदिर था ये रविदासी समाज का, तो उसके बावजूद भी इसको क्यों तोड़ दिया? क्योंकि तब तक तो सरकार भी नहीं बनी थी और एमसीडी भी नहीं बनी थी, तो फिर क्यों तोड़ा गया? देखिए सर, ये जो सरकारें हैं बीजेपी सरकार, इसकी मानसिकता जो है वो दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और महिला विरोधी मानसिकता है। ये हमारे रहबरों, हमारे पुरखों की जो धरोहर है उसको इस देश से नष्ट कर देना चाहती है, ताकि जो मूवमेंट है, जो बाबा साहब की मूवमेंट है, जो महापुरुषों की मूवमेंट है, वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन साथियों, आज बाबा साहब को मानने वाले और गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले सैकड़ों की तादाद में है, हम उनकी ये जो मान है, ये जो उन्हें अत्याचार हमारे ऊपर किया, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राम सिंह जी। राम सिंह जी कहाँ से आए हैं? गुरदासपुर से। गुरदासपुर से इतनी दूर से क्यों आए हैं? हम जो कुछ दिन पहले जो मनुवादी सरकार है, हम तो मनुवादी कहेंगे जी। जो मनुवादी सरकार है, जो हमारे धर्म स्थान है को जो ठेस पहुंचाई है, हम उसको वहां पर ही बनवाने के लिए जहां पर पहुंचे हैं। हम अपने गुरु को, आज बीजेपी सरकार लगी हुई है राम मंदिर बनाने और राम मंदिर के लिए उन्होंने सैकड़ों लोगों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, लेकिन अगर बहुजनों की बात आती है तो 600 साल पुराना मंदिर भी तोड़ दिया जाता है। हमारे साथ माता है। बताया जाता है कि श्री राम से भी पहले ये रविदासी समाज के मंदिर था और उसके 600 साल पुराना बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर के पीछे का। आप कुछ कह रहे थे मीडिया के बारे में? हम बताते, हमको राम मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, आज बन जाए, सारा समाज ही इनके देवी देवता को पूजता था, लेकिन इन लोगों ने हमारे गुरु को ठेस पहुंचा कर इनको, हम भी उनके देवी देवता को आज से नहीं पूजेंगे, क्योंकि जो मीडिया है अपनी तो एक एक मिनट की खबर दिखाती है, लेकिन हमारे समाज की कोई भी खबर नहीं दिखाती है जी। बताया जा रहा है कि अगर रविदास मंदिर नहीं मिलता है तो बहुत सारे ईस्टों को, बहुत सारे भगवानों को मंदिर से निकालने का काम भी ये रविदासी समाज करेगा, ये बात कहां तक सच है? सब तो पहला तो मैं जिहड़े मीडिया वाले साडे भरा और साडी भैन जिहड़ी मीडिया दे राही दुनिया तक साडी आवाज़ पहुँचा रही है, आपां इहनां दे तहे दिलों धन्नवादी हां। धन्यवाद। और
आज जो तुगलकाबाद में जो हमारे गुरु रविदास मंदिर जो उधर गुरुद्वारा टाया गया कुछ दिन पहले, उसी के विरोध के लिए हम आए यहाँ पे। और पहले जब मुद्दा चलता है राम मंदिर का, और हमारा एक तरफ गुरुद्वारा डाया जा रहा है, उधर राम मंदिर की बात चल रही है, तो हम ये बात बोलेंगे कि जेकर हमारा गुरुद्वारा नहीं बनेगा तो राम मंदिर भी नहीं बनेगा। और हम वादे से कहते हैं जे जो मनोवादी सरकारें हैं इनको हम बता देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बूटा सिंह है। बूटा सिंह जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर रविदासी समाज नहीं बनेगा तो राम मंदिर भी हम नहीं बनने देंगे। बूटा सिंह जी आपका शुभ नाम क्या है? मैं अमरजीत सिंह प्रधान श्री गुरु। अमरजीत सिंह जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर यहाँ पर मंदिर ना बनाया सरकार ने तो हम और रोष प्रदर्शन इससे बड़ा करेंगे और चक्का जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, और जब तक मंदिर नहीं बनेगा आराम से नहीं बैठेंगे। बहुजन समाज के अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे, नेता लोग हैं, कुछ संत महंत हैं यहाँ पे, और उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है। अगर ये कार्य पूरा नहीं होता रविदासी समाज मंदिर बनने का, तो आपने हमारे चैन से बात करी, धन्यवाद। अभी तो हम चैन से बात कर रहे हैं, जेकर हमारा गुरु रविदास मंदिर ना बना तो हम कुछ भी करने को लिए तैयार हैं। ये हम मन मिटने के लिए तैयार हैं। ये हमारी पंजाब की जो संगत आई हुई है, और हम रहेंगे। हम जय भारत, जय भारत, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।